सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। जैसे कि सर्दी आ चुकी है और ऐसे में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खुशनुमा सब्जियां आ रही हैं, तो उनमें से मेरी पसंदीदा है शलगम और पालक। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ शलजम पालक गोश्त। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और इसकी एक रेसिपी हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है। आज मैं इसका जो आसान वर्जन है यानी बहुत ही झटपट बनने वाली इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है, ये हड्डी वाला मटन है। उसके अलावा मैंने लिए हैं 1.5 किलो शलजम और उनको मैंने काट के अच्छे से, ये देखिए जो शलजम थे उनके टुकड़े इस तरह से छोटे छोटे कर लिए हैं और जो उसके पत्ते थे उनको बहुत बारीक से काट लिया है। तो 1.5 किलो मैंने शलजम पत्तों के साथ लिए थे। 1/2 किलो मैंने पालक ली थी। शलजम के साथ हमेशा पालक डालनी चाहिए क्योंकि शलजम थोड़े से कड़वे होते हैं, कसैले होते हैं। अगर आप सिर्फ शलजम डालेंगे तो थोड़ा सा आपका जो सालन है कसैला बन सकता है। तो इसलिए 1/2 किलो मैंने पालक लेके उसको भी बहुत बारीक काट के धो के इसी के साथ डाल लिया है। और थोड़ी सी मैंने ली है मेथी, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो फिर आपकी जो सब्जी है या सालन है उसका टेस्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने 100 ग्राम के करीब मेथी लेके उसके पत्ते तोड़ के वो भी साथ में ही डाल दी थी। तो सभी चीजों को मैंने अच्छे से धो के और छलनी में डाल दिया है। तब मैं आपको दिखाती हूँ बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो 3 हमने प्याज लेके इसको बारीक चॉप कर लिया है, बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं किए कोरमे की तरह। और 6 टमाटर लिए हैं हमने, देसी टमाटर लिए हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है। 6 ही मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। तो शलजम पालक गोश्त के अंदर या फिर पालक गोश्त जो भी बनाते हैं उनके अंदर हरी मिर्च ज़्यादा ही अच्छी लगती है। मसालों में मैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 4 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लेके मैंने इसको लंबाई में काट लिया है और 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये सालन हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है और उसमें 1 कप ऑयल डाल लिया है। ऑयल आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो डाल रही हूँ मैं इसमें मटर, इसमें सभी चीजें साथ में ही चली जाएंगी। गार्लिक पेस्ट, कोई भी चीज मैं बाद में नहीं डालूंगी, सिर्फ हरी मिर्च और अदरक, प्याज, टमाटर, सूखे मसालों में धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक, हरी मिर्च मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ ये अपनी कटी हुई सब्जी, जो कि अभी तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है और पकने के बाद ये काफ़ी कम हो जाती है। तो ये भी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 मिनट हम इसको ऐसे ही पकने देंगे क्योंकि पालक में और शलजम में जब थोड़ी सी आँच लगेगी, हीट आएगी, तो फिर ये सॉफ्ट होके नीचे को बैठ जाएगा। देखिए पालक नीचे की तरफ बैठने लगी है, थोड़ी थोड़ी इसमें हीट लग रही है। तो सब्जी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसको गलाएंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो आप इसमें ऐसे ही ढक्कन लगा दीजिएगा, और अगर आप पतीली में पका रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिएगा, बस बहुत थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि पालक जितनी भी सब्जी है सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने वाली हैं। तो अब मैं इसका ढक्कन लगा दिया है मैंने, और मीडियम फ्लेम पे पहले 1 सीटी लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। इसको बिल्कुल 100% कुक नहीं करना है, थोड़ी सी इसमें गुंजाइश छोड़नी है क्योंकि ये पालक बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा, तो हमें सब्जी को बहुत भूनना भी होगा। तो मटन गल चुका है, अब हम अपने प्रेशर कुकर को खोल के चेक करते हैं। गैस को दोबारा ऑन करते हैं, तो इसमें काफी पानी हो गया है और सब्जी हमने कितनी ज्यादा डाली थी और अब काफी कम हो गई है।
और शलजम देखिए आप हमारे बहुत अच्छे से ये भी गल गए हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च जो कि हमने जब नहीं डाली थी, और अदरक, और इसको हम बहुत अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे जब तक कि हमारे शलजम गोश्त का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। शलजम गोश्त अच्छा भुना हुआ ही अच्छा लगता है, इसमें पानी अच्छा नहीं लगता है। सब्जी भूनते वक्त जो आपको इस तरह से खड़े खड़े शलजम के पीसेस नज़र आए उनको ऐसे चमचे की मदद से आप घोट लीजिएगा, और सब्जी को बहुत ज़्यादा आप चम्मच नहीं चलाइएगा वरना गोश्त के जो पीसेस हैं वो टूटने का डर रहता है। और एक टिप है कि अगर आपकी सब्ज़ी के अंदर जैसे पालक हो या शलजम हो बहुत ज़्यादा पानी हो जाए और आपको डर हो कि अगर उसको ड्राई करने में गोश्त आपका ज़्यादा गल जाएगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं इस पानी को दूसरे बर्तन में निकाल के उसको अलग से आप ड्राई कर दें फिर उसको वापस इसमें मिक्स कर लें, तो आपकी जो ग्रेवी है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मैंने इसके अंदर मेथी डाली है, अगर आप चाहें तो इसके साथ आप मूली डाल सकते हैं या फिर चुकंदर भी डाल सकते हैं, आपकी पसंद के ऊपर है। तो थोड़ी देर में अभी इसे और भूनूंगी। तो सालन हमारा अच्छे से भून गया है, अब हम अपनी गैस को बंद कर देते हैं और इसको 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देते हैं ताकि जो ऑयल है वो सरफेस पे आ जाए, फिर मैं आपको डिश आउट कर देती हूँ। तो देखिए तैयार है हमारा शलजम पालक गोश्त, बहुत ही बेहतरीन इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत बेहतरीन नज़र भी आ रहा है। इसको हम सर्व करेंगे देसी घी के साथ जिससे कि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।